नमस्कार, हाजिर हूं मैं आवाज के साथ। हिंदुस्तान का नेशनल पैशन क्या है, वो कौन सी चीज है जो सभी हिंदुस्तानियों को पूरी तरह से घेर लेती है, जिसके बारे में हम जिंदगी भर सोचते रहते हैं। आम तौर पर आप लोग कहेंगे क्रिकेट या फिर सिनेमा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का जो नेशनल पैशन है वो है शादी। जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे माँ बाप शादी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लड़की होती है तो उसको बोला जाता है कि तू दुल्हन बनेगी, तेरा दूल्हा एक दिन घोड़े पर बैठकर तुझे ले जाएगा। और फिर जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है तो हम कहते हैं कि भैया घर का काम भी सीख लो, ससुराल में तुमको ही सब कुछ संभालना है। लड़कों को भी ऐसा ही कुछ बोला जाता है, एक दिन तेरी शादी होगी, तू दूल्हा बनेगा, तेरी चांद सी दुल्हन होगी। ये शब्द जो हैं ये कहीं ना कहीं हमसे ज़िंदगी भर टकराते रहते हैं जब तक हम जवान नहीं हो जाते। हमारे देश में क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो नौजवानों की ही तो है, जिनकी या तो शादी होने वाली है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है। खैर, ऐसे में हम माँ बाप की भी कोशिश होती है, जो माँ बाप हैं उनकी भी कोशिशें होती हैं कि मेरे बेटे या बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो। तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जो माँ बाप हैं हमारे वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपनी बेटी या बेटे को ठाट से नए जीवन का आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं। ये हुई सकारात्मक बातें, ये हो गई पॉजिटिव बातें, लेकिन अंधेरे की बात कौन करेगा, अंधेरे की आवाज़ कौन बनेगा? इन चीज़ों को समझाने के लिए पहले इन तस्वीरों को देखिए और फिर अपने आप फैसला कीजिए। अरे अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते, क्या हाल है आपके? बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए कैसे हैं? बस बेटे ठीक ठाक। परेशान लग रहे हैं काफ़ी? परेशानी तो बेटे चलती रहती है, बट एक थोड़ी सी परेशानी है। अच्छा। घर में बेटे की शादी है। अरे अब तो परेशानी किस बात की? परेशानी ये है कि देखो, शादी तो एक अच्छा विषय है, अच्छा है, अच्छा कार्य है, लेकिन उसमें आजकल जो जमाना जिस हिसाब से चल रहा है उसमें कॉकटेल की पार्टी रखी गई है। अच्छा। कॉकटेल का समझ नहीं आ रहा कि कुछ लोग पक्ष में हैं कि करनी चाहिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कॉकटेल की पार्टी होनी नहीं चाहिए जी। इसमें पैसे की बर्बादी भी है, समय की भी बर्बादी है। तो अंकल ये कॉकटेल पार्टी होती क्या है जो इस तरह से लोग, जरूरी भी है और नहीं भी है? गाँव में भी शहरीकरण हो गया है जी। लोग जो है पार्टी से, शादी से पहले कुछ पार्टी रखते हैं जिसमें जो है ये इसकी वाइन वगैरह इन सब का सेवन करते हैं सब लोग। इसमें जो है हम भी गए हैं तो पहले शादियों में, तो वैसे भी ये सब शराब जो है जिस तरह से लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन ये कॉकटेल पार्टी ही क्यों अलग से? कॉकटेल पार्टी एक रिवाज सा बन गया है, जो हमारे यहाँ कभी हल्दी हाथ और इनसे पहले ये सब प्रोग्राम होते थे पहले शादी से पहले, इनकी जगह अब कॉकटेल पार्टी ने ले ली है। अब कॉकटेल पार्टी में खर्चा, अननेसेसरी खर्चा है इस पे। अब समझ नहीं आ रहा है कि बेटी की शादी में हमने जो है कॉकटेल की पार्टी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। तो अंकल ये जरूरी है कि कॉकटेल पार्टी ही की जाए? अब जैसे युवा पीढ़ी है हमारी और इस तरह से, फिर ये इस तरह की रिवाजें क्यों? चलो मैं आपको इसका मैं समझाता हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए। बट युवा पीढ़ी में जो ये बढ़ावा आ रहा है इसको कॉकटेल को लेके, ये हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि इस समय लोगों ने थोड़ा सा बुजुर्ग और युवाओं के बीच का संपर्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है जी। लोग कॉकटेल की तरफ बढ़ रहे हैं, सारी शादी जो है कॉकटेल पे आके सिमट जाती है सब। कॉकटेल के बाद ये होता है कि लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, जो पहले एक सामूहिक फंक्शन होता था आज वो सिमट के रह गया है। तो बेटे ये ऐसा है कि कॉकटेल का हम, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन समाज को देखते हुए हमको ये फंक्शन करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, बाकी ये समाज की रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, बच्चे भी नहीं मानते और बाकी सब लोग जो है चाहते तो यही है कि ये पैसा जो है किसी
बच्चे को ही दे दिया जाए, ये इस पर अननेसेसरी का खर्चा करना जायज़ नहीं है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है बेटे, चलो नमस्ते बेटे, मिलते रहना। तो ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखी, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं। ये कोई 3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का बनाया हुआ विजुअल नहीं, ये तस्वीर है देश की। और यहां मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो जितनी तेजी से ये तस्वीर बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। उत्तराखंड के तमाम घर, मोहल्ले, चौराहे, गलियों, हर जगह इस तरह की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। जो संक्रमण है ये एक विशालकाय रूप लेता जा रहा है। हम रुकने वाले नहीं हैं, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और ये फैसला कितना बड़ा है आप प्रोग्राम लगातार देखते रहिएगा। हमने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिए, क्योंकि आवाज की टीम यहां रुकने वाली नहीं है। आवाज की टीम का मैं सदस्य काविंद्र चौहान, मैं हरीश असवाल। कॉकटेल पार्टी जो शब्द ही विदेशी हो, उसकी एक तरीके से उत्तराखंड में बढ़ता चलन डराने लगा है। उत्तराखंड में जिस तरह से कॉकटेल पार्टी को लेकर लोग आम होते जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। दुर्गामी सोच, इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में जितना जल्दी इस पर हम बात हो तो बेहतर। इसमें हमसे पहले कुछ बेटियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है। आइए चलते हैं टीरी गढ़वाल की एक छोटी सी कहानी पर। शादी से पहले इस बेटी ने अपने परिजनों से ऐसी शर्त रखी कि परिजनों को भी उसके आगे झुकना पड़ा। विवाह समारोह में कॉकटेल पार्टी का प्रचलन रोकने के लिए कोटी बहेड़ा की एक बेटी ने अपनी शादी में शराब परोसने के खिलाफ आवाज़ उठाई है। बेटी की जिद के आगे परिजनों को शादी के कार्ड में मेहंदी रस्म में शराब नहीं परोसे जाने का नोटिस छापना पड़ा। पहाड़ में नशाखोरी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। विवाह और अन्य कार्यक्रमों में तो कॉकटेल पार्टी आम होती जा रही है। कोटी गांव के हरीश प्रसाद सकलानी भी शादी के तैयारियों में जुटे थे, जिसमें कॉकटेल पार्टी भी प्रस्तावित थी। लेकिन बेटी मनीषा ने अपनी शादी पर कॉकटेल पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो परिजनों को शादी के कार्ड पर छपवाना पड़ा कि शादी की मेहंदी रस्म में शराब नहीं परोसी जाएगी। मनीषा का विवाह 25 फरवरी को डोईवाला के फतेहपुर टांडा निवासी मोहित से होना है। मनीषा ने कहा कि सभी लड़कियों को इस मुहिम में आगे आना चाहिए और शादियों से कॉकटेल पार्टी जैसे शब्द को दूर कर देना चाहिए। आपने देखा किस तरह से खुशी के माहौल में ये प्रथाएं खलल डाल देती हैं। लेकिन क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जो अपनी ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई इन चीज़ों पर लगा देते हैं। उसके बाद भी इस तरीके के चलन जो हैं दरअसल भारत में रिवाज के तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आज जैसे ज़रूरी से बन गए हैं। ऐसे दिखावटी और गैर ज़रूरी चीज़ों को के लिए क्या कर्ज लेना ज़रूरी है? मतलब एक दिन के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, बिल्कुल कुर्बान कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। शादी जैसे रिश्ते में जहां घर बसाने की बातें होती हैं, वहां ऐसी प्रथाएं जो हमारे संस्कृति में का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमारे घरों में घर करती जा रही हैं। सामाजिक दबाव क्या इतना बड़ा हो सकता है? वो एक बात की मजबूरी, एक बाप की इतनी बड़ी मजबूरी हो सकती है कि सामाजिक दबाव में आकर वो कर्ज ले और फिर वो कॉकटेल पार्टी करे? क्या ये हमारी परंपरा है? ये मर्यादा को पार करने वाली चीज नहीं है? बड़े छोटे का अदब हम सब भूल गए हैं इसमें? क्या सामाजिक दबाव इतना बड़ा हो गया है? वहां देवों की भूमि में ये सब काम, इस तरह का संक्रमण, इस तरह के संक्रमण की जगह नहीं है, और ना इसकी कोई दवाई है, ना ही इसकी कोई दुआ है। ये जो संक्रमण है, ये हमें अपने आप से हटाना है, इसकी पहल करनी है। तो इस खतरे को और करीब से समझने के लिए एक रिपोर्ट का सहारा लेंगे, और इसके लिए हम ग्राफिक्स की तरफ जाएंगे। तो ग्राफिक्स में क्या कुछ है हरीश? एम्स के सर्वे के मुताबिक 50% लोग देहरादून और हरिद्वार के हैं। उसमें खास बात यह है कि उम्र जो है वो 30 से 50 के बीच के लोगों की है, और दूसरी महिलाओं के प्रतिशत 28 है इसमें, बिल्कुल, और पुरुषों की 72%। तो एम्स ऋषिकेश की ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उत्तराखंड के टूरिस्ट एरिया बुरी तरह से इसकी चपेट में आ गए। शादियों में कॉकटेल का चलन इसमें बल दे रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल हाँ, इसको बल दे रहा है, हमें इसे बंद करना है। इन आंकड़ों का जो ग्राफ है वो इसी तरह बढ़ता रहेगा अगर कॉकटेल पर लगाम नहीं लगाई गई। काविंद्र,
कितने ही परिवार उत्तराखंड के ऐसे हैं जो इससे आज त्रस्त हैं। आज मैं एक ऐसे छोटे से गांव की एक बात बताऊं, जहां एक लड़का 22 साल से बिस्तर पर है, सिर्फ एक छोटी सी गलती पहली उसकी ही है जिसने वहां जाके शराब पी, दूसरी गलती जिसने उसको पिलाई, और आज उसका पूरा परिवार उसको भुगत रहा है। 22 साल से वो लड़का बिस्तर पर है, और उसका जब वो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी शादी को 1 साल हुआ था, उसका बच्चा पैदा हुआ तो शायद उसे आज भी नहीं पता कि उसका कोई बच्चा है, वो अपनी याददाश्त भूल चुका है, पैरालिटिक हो चुका है। काविंदर, ऐसे ऐसी ऐसी परंपराओं का हम क्या करेंगे, क्या क्या करें ऐसी परंपराओं का, और क्या क्या ऐसा करें कि समाज इसको सीखे इससे कि गलत है। कितने परिवार उजड़ गया है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी बीवी आज कैसे उसको सरवाइव कर रहा है, ना वो आदमी जिंदा है ना वो मरा हुआ है। एक गलती, सिर्फ एक कॉकटेल, एक गलती, क्यों? ऐसी कहानियां सैकड़ों हैं, ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से सैकड़ों। वो आप जो मुझे उस दिन जो एक बात बता रहे थे कि उत्तराखंड में ये जो चलन है, ये जिस तरीके से जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकना कैसे है? रोकने के लिए हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ संकल्प करना है। सरकार से तो हम आज गुजारिश कर ही रहे हैं कि आप इसमें आदेश दें और इसको रोकें। पिछली बार भी हमने एक प्रोग्राम किया था, लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे, हमने उसके जवाब दिए। हमारे को जो बल मिला इसको आगे चलाने का, ये लोगों द्वारा ही हमारे को बल मिला कि ये एक अच्छा टॉपिक है जो समाज के अंदर दबा हुआ है, हम इसे आगे लेके जाना चाहिए। आज हम इसे आगे लेके जा रहे हैं, उन लोगों के दुख दर्द को लेके जा रहे हैं, उन लोगों की परेशानियों को लेके जा रहे हैं, उन प्रेशर को आगे लेके जा रहे हैं जो समाज के अंदर धीरे धीरे पनप गया है। एक माँ अगर कुछ ठान ले तो क्या नहीं हो सकता, वहीं अगर एक माँ किसी बुरे काम को खत्म करने की पहल अपने घर से करे तो वो लोगों के मन में भी छाप छोड़ जाती है और सभी उस राह पर बढ़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भी एक माँ ने ऐसी ही मिसाल पेश की, जब उसने अपनी बेटी की शादी समारोह में ना तो शराब परोसी और ना ही किसी शराबी को शादी में घुसने दिया। अब शादी समारोह हो और शराब ना परोसी जाए तो समारोह को फीका माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के कई गाँव में ये बातें बेमानी सी साबित होने लगी है। अब शादी समारोह हो और शराब ना परोसी जाए तो समारोह को फीका माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के कई गांवों में ये बातें बेमानी साबित हो रही हैं। शराब का लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर गांवों में महिलाएं जागरूक होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं। कई जगह तो शादी समारोह में शराब परोसने की खिलाफत कर दी गई, तो ऐसी कई जगहों पर इसके खिलाफ आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। इस बीच चमोली के घाट गांव में एक मां ने मिसाल पेश की है। दरअसल चमोली के घाट गांव निवासी देवेश्वरी बिष्ट और विलोक बिष्ट की बेटी की शादी बीते साल 27-28 फरवरी को जोशीमठ ब्लॉक के सेलंग गांव निवासी परवीन से हुई। इस शादी के निमंत्रण पत्र में साफ साफ शब्दों में शराब ना परोसे जाने और शराब पीकर शादी में शामिल ना होने का संदेश दिया गया, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। शादी समारोह में ना तो शराब परोसी गई और ना ही किसी शराबी को शामिल किया गया। देवेश्वरी देवी ने इससे सबको साफ संदेश दे दिया कि शराब घरों को जोड़ती नहीं बल्कि घरों को तोड़ती है। कोई तो होगा जो इसकी मशाल जलाएगा, कोई तो इसका अंत करेगा। हम करेंगे, मिलकर आवाज उठाएंगे। हम सिर्फ बातों को नहीं, यकीन से कह सकते हैं कि इसको हम जड़ से निपटाएंगे। बिल्कुल, हम हट ही हैं, यही हमारी ताकत है। अगर हमारी कोशिशों से कई घर संवर सकते हैं तो हम आवाज उठाएंगे और लाख बार उठाएंगे। और हमने इसमें आपने मुख्यमंत्री जी को भी एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री जी आप इसका संज्ञान लें, आपके एक छोटे से आदेश मात्र से अगर शादियां 50 लोगों में हो सकती है तो एक छोटे से आदेश का इंतजार आज पूरा उत्तराखंड कर रहा है। आप इस हमारे पत्र का संज्ञान लेते हुए इसमें आप जरूर इसमें कुछ कार्रवाई करें, हमें आपसे अपेक्षा है कि आप इसमें जल्दी कुछ करेंगे। बिल्कुल, आपको कुछ सवालों के साथ यहाँ छोड़कर जाते हैं जिसका जवाब आपको देना है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप आइएगा और बताइएगा कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये महज एक प्रोग्राम भर नहीं है, ये एक डिजिटल क्रांति है, ये एक डिजिटल अभियान है, ये डिजिटल एक हम लोग एक सीरीज चलाने जा रहे हैं।
इस अभियान में जुड़िए, हमारे साथ आइए और ये जो कुप्रथा चल रही है इसको बंद कराने में हमारी मदद कीजिए, आवाज की टीम की मदद कीजिए, क्योंकि आवाज की टीम हमेशा आपकी आवाज बनती है। तो इस कुप्रथा के खिलाफ जो हमारी जो अभियान है वो शुरू हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।